हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। सीधा मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया शनि जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दर्शकों के लिए राहुल गांधी का वो ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं जिस पर आज हम ये बहस करने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अब से तकरीबन 8 घंटे पहले ये ट्वीट किया था कि पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और स्वयं पीएम में कई समानताएं हैं। दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार, दोनों ही अपना काम करने में फेल और जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल। आज हम इसमें से पॉलिटिक्स अलग रखते हैं, लेकिन क्योंकि वेंटिलेटर्स को लेकर बात की गई है और पीएम केयर्स फंड के तहत हजारों वेंटिलेटर खरीदकर इस आपातकाल में देश के कोने कोने में भेजे गए हैं, अगर ये आरोप सही है तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा लोगों की जिंदगी का सवाल है। अगर ये राजनीति से प्रेरित है तो इसमें उन अस्पतालों और मरीजों का भरोसा भी जुड़ा हुआ है जो टूटेगा ऐसे आरोपों से। शायद उनके मन में एक संशय आएगा तो वो भी दूर होना चाहिए। हम दोनों पहलुओं पर बात करते हैं। सुप्रिया जी, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आरोप क्या है? ये वेंटिलेटर खराब है क्या? सरकारी पैसे से खराब वेंटिलेटर खरीदे गए? 50,000 वेंटिलेटर्स के ऊपर करीब 2,000 करोड़ रुपए खर्चा हुए थे। ये सरकार के माध्यम से ही पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, मेरा इको जरा ठीक करा दीजिएगा। तो 50,000 वेंटिलेटर 2,000 करोड़ रुपए देकर पीएम केयर फंड से खरीदे गए थे। वो पीएम केयर फंड जिसके बारे में कभी कुछ बोला ही नहीं जाता है, पता ही नहीं चलता। खैर चलिए, वो एक अलग कहानी, एक अलग शो है। अब जब वेंटिलेटर्स खरीद कर पहुंचाए जाते हैं प्रदेशों में तो वहां पर ये डिफेक्टिव निकलते हैं, और ये सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेशों में डिफेक्टिव नहीं निकलते, ये उनकी खूबी नहीं है, ये भाजपा शासित प्रदेशों में भी डिफेक्टिव निकलते हैं। और गया मध्य प्रदेश, हो गया कर्नाटका, हो गया, तो ये भाजपा शासित प्रदेशों में भी है, ये छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी है। तो सिर्फ एक सवाल तो पूछना बनता है ना, क्योंकि पीएम केयर फंड में भारत की आम जनता ने, भारत के पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने, बहुत सारे लोगों ने इस विश्वास से पैसा दिया था कि इससे कोरोना के खिलाफ महामारी में काम होगा। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, अच्छी नीयत से खरीदे गए होंगे वेंटिलेटर, उसमें कोई खोट नहीं है, लेकिन अगर वेंटिलेटर त्रुटिपूर्ण है तो दो सवाल पूछे जाने चाहिए ना कि वेंटिलेटर्स का प्रोक्योरमेंट किस बेसिस पर किया गया था, क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि कुछ कंपनीज हैं, चाहे वो एएमटीजेड हो, चाहे वो एग्वा हो, जो जिन्होंने बनाए वेंटिलेटर्स, 50,000 में से करीब 30,000 बीएल ने बनाए थे, बाकी कुछ प्राइवेट कंपनीज ने बनाए थे। इन्होंने आज तक प्रोटोटाइप ही नहीं बनाया था वेंटिलेटर का। सरकार में ऐसा होता है सौरभ जी, अगर एक छोटी सी फोटोकॉपी मशीन भी लगानी होती है ना, तो उसके लिए आरएफक्यू निकलता है, रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन निकलता है, और उसके बाद जो आता है उसका टेंडर होता है, वो जो कंपनी का फाइनलाइज किया जाता है, वो प्रोडक्ट तो देती ही है, वो इंस्टॉल भी करती है, टेस्ट रन भी करती है, और उसके बाद ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि पीएम केयर फंड से जब प्रोक्योरमेंट किया गया तो उसकी क्या कंडीशंस थी, कैसे इन कंपनियों को दे दिया गया जिनकी ने कभी प्रोटोटाइप नहीं बनाया था, जवाब लिखा, उन्होंने टेस्ट रन नहीं किए, उन्होंने इंस्टॉलेशन नहीं किए, तो ये सवाल तो पूछा जाएगा भाई कि आज वेंटिलेटर की जरूरत है वो फेल हो रहा है। आपने दो बड़ी बातें कही है, तो ये सवाल किससे पूछा जाएगा? आपने दो बड़ी बातें कही, एक कि बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर फॉल्टी निकल रहे हैं, खराब निकल रहे हैं जब उनको अस्पतालों को दिया जाता है यूज करने के लिए, और दूसरा आपने पूछा कि किन पैमानों पर परख कर ये इन कंपनियों को ऑर्डर दिया गया वेंटिलेटर बनाने का। संबित पात्रा जी, देखिए सौरभ भाई, मैं चाहता हूं कि आज का डिबेट सार्थक हो, और बहुत ही संवेदनशील विषय है, लोगों के जान से जुड़ा हुआ विषय है, मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, तूतू में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। देखिए, जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, जब ये कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ था विगत वर्ष, हिंदुस्तान में मात्र 16,000 वेंटिलेटर्स पूरे हिंदुस्तान में मौजूद थी, और आज 16,000 प्लस 50,000 वेंटिलेटर्स, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में बताना चाहूंगा बहुत संक्षेप में, टोटल जो नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स एलोकेटेड है स्टेट्स को वो 45,946 है, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स जो डिलीवर्ड हो चुके हैं वो 42,776 है, और नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स जो इंस्टॉल्ड है और आज के डेट में काम कर रहे हैं वो 38,427 है। मतलब ऐसे लगभग कुछ 7-8 हजार वेंटिलेटर है जिनको लेकर आज हम प्रश्न उठा रहे हैं, जिन पर डिस्कशन हो रहा है, और पीएम ने भी कल इस पर ऑडिट के विषय में कहा है कि सभी स्टेट पे जहां नॉन फंक्शनल वेंटिलेटर है उस पर ऑडिट होगा। चार मुख्य कारण है जिन वेंटिलेटर को लेकर आज हम डिबेट कर रहे हैं कि क्या गड़बड़ हो सकता है।
नंबर एक, ये जो वेंटिलेटर्स बनाए गए हैं, प्रोटोटाइप की बात हुई है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इशू किया है स्टेटमेंट कि डोमेन एक्सपर्ट्स उनका मत लिया गया है, प्लस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री, इनके राय के बाद ही ये वेंटिलेटर्स जो मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स है वो बनाए गए। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, मैं बहुत प्रैक्टिकली और जनता को समझाता हूं एक एक करके। नंबर एक, वेंटिलेटर्स भेजे जाते हैं, कैसे भेजे जाते हैं, स्टेट कहता है मुझे 500 वेंटिलेटर चाहिए, ये स्टेट केंद्र सरकार को कहता है, केंद्र सरकार सपोज करिए कि आपके सबसे बड़े जो मैन्युफैक्चरर हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को या अग्वा को कहता है कि आप भेजिए इस राज्य को 500 वेंटिलेटर, राजस्थान को भेजिए, तो ये कंपनी जो है राजस्थान को फोन करती है हम कहां भेजे 500 वेंटिलेटर, आप अगर हॉस्पिटल का नंबर दे देंगे तो हम हॉस्पिटल में इंस्टॉल करके आ जाएंगे, राज्य कहती है आप हमारे सेंट्रल वेयरहाउस में भेज दीजिए हम हॉस्पिटल्स को भेजेंगे, तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये सेंट्रल वेयरहाउस में भेजते हैं, और आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं और 8 बजे भी दिखाएंगे, आपने अभी कहा था शो में, मैंने सुना था, आप देखेंगे मोस्टली ये वेंटिलेटर्स जाके सेंट्रल वेयरहाउस में पड़े हुए हैं क्योंकि स्टेट्स नहीं चाहती थी कि अभी इनको इंस्टॉल कराया जाए, 7-8 महीने हुए हैं वो सेंट्रल वेयरहाउस में पड़े रहे, अब अफरा तफरी में उनको इंस्टॉलेशन के लिए भेजा गया, तो दूसरी गड़बड़ी क्या हुई है, दूसरी गड़बड़ी हुई है जब इंस्टॉलेशन के लिए वहां अगवा का या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का आदमी जाता है, तो देखिए मैं खुद डॉक्टर हूं, जब वेंटिलेटर को इंस्टॉल किया जाता है एक कनेक्टर होता है, उसके लिए ऑक्सीजन के लिए एक सप्लाई अलग से होनी होती है, कई अस्पतालों में ये तत्कालीन मौजूद नहीं है, तो उसमें एक अफरा तफरी होती है, कई जगह ये लग नहीं पाते हैं। तीसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ मैन पावर ट्रेनिंग। देखिए ये सारे वेंटिलेटर्स को मैनेज करने के लिए, मैं सर्जन हूं, मैं नहीं वेंटिलेटर मैनेज कर सकता हूं, इसके लिए मैन पावर को ट्रेन करना पड़ता है, और कई बार जो ट्रेन मैन पावर होता है उसका रोस्टर बदलने के कारण, जैसे अभी आपने दिखाया, मैं आपके रिपोर्ट में देख रहा था पंजाब के फंक्शनल वेंटिलेटर को रोस्टर बदलने के बाद दूसरा आदमी आके कहता है फंक्शनल है। ओके, मैं और दो कारण है, अगर आप मुझे थोड़ा वक्त देखिए, संबीत जी आप इसके बाद और बता लीजिएगा अगली बारी में, लेकिन क्योंकि इनका मूल प्रश्न आपने जो बात बताई है ये अनयूज्ड वेंटिलेटर को लेकर है कि जो वेंटिलेटर इस्तेमाल नहीं हो पा रहे, इनका सवाल वेंटिलेटर खराब होने को लेकर है कि वेंटिलेटर खराब निकल रहे हैं, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। देखिए मैंने कहा वेंटिलेटर खराब नहीं निकल रहे हैं, आप मैं वो जो देखिए अभी दो दिन पहले औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगाबाद की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किस प्रकार से कुछ वेंटिलेटर खराब हुए हैं उसको लेके सचिन सावंत जो इनके एमएलए हैं उन्होंने कहा कि घपला हुआ है, इसका पूरा स्टेटमेंट लेके मैं बैठा हूं, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने क्या कहा, जो सप्लायर थी ज्योति सीएनसी, पहली बात तो है इन्होंने जो 8 वेंटिलेटर दिखाया वो 8 वेंटिलेटर पीएम केयर के अंतर्गत नहीं आए थे, मगर जो दूसरे 8 वेंटिलेटर खराब हुए थे ज्योति सीएनसी ने कहा हमने लोग भेजे, जैसे ही फोन आया हमने लोग भेजे, उसमें सिंपल एक का फिल्टर बदलना था, दो का ऑक्सीजन सेल बदलना था, एक का जो है उसका मॉड्यूल बदलना था, हमने ये कंज्यूमेबल बदल दिए, बदलते ही वो ठीक हो गए, तो कंज्यूमेबल आप कह रहे हैं ये मेंटेनेंस इश्यूज हैं, अच्छा आपने इसका मतलब आपके हिसाब से मेंटेनेंस इश्यूज हैं। देखिए गाड़ी में तेल खत्म हो जाता है तो गाड़ी खराब नहीं कहलाती है, गाड़ी का अगर बैटरी एक, आप गाड़ी को स्टार्ट मत करिए, अभी लॉकडाउन है हमारे घर की गाड़ियां स्टार्ट नहीं हुई है, लॉकडाउन खुलने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, उसका अर्थ ये नहीं कि मेरी गाड़ी खराब होगी, उसका अर्थ है ये मेंटेनेंस इश्यू है, और अगर एक साल से वेयरहाउस में बंद है, मैं बहुत साधारण शब्दों में समझा रहा हूं, अगर एक साल से वेयरहाउस में बंद है, किसी का सेल रन डाउन हुआ है, तो किसी में ये जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग फर्स्ट अच्छा, नहीं ठीक है पात्रा साहब, आप मैं जवाब देना चाहता हूं आपकी बात का, ठीक नहीं होना चाहिए। सौरभ जी मैं दो बातें मैंने पूछी थी, मुझे उसका जवाब नहीं मिला कि प्रोक्योरमेंट का बेसिस क्या था, जिन कंपनीज ने प्रोटोटाइप नहीं बनाया था उनसे क्यों हमने खरीदा, क्योंकि उसका खामियाजा जनता भुगत रही है, उसके खामियाजा हमारे लोग भुगत रहे हैं, और प्लेन एंड सिंपल जनता के लिए एक बात समझानी जरूरी है कि रूम ऑक्सीजन जैसे हम और आप ले रहे हैं, अगर आप एडमिट भी होते हैं और आपका काम चल जाता है तो आपको रूम ऑक्सीजन पे रखा जाता है, फिर आपको बाई होता है एक नॉन इनवेसिव, मतलब आपके कोई शरीर के अंदर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, आपको बाहर मास्क से या जो एक प्रोंग होता है तार का उससे आपको ऑक्सीजन दी जाती है, इनवेसिव होता है कि आपकी या तो यहां पे ट्राइटरेक्टमी करके या मुंह के द्वारा, और संबित जी तो डॉक्टर हैं ये बता पाएंगे, आपको सिडेट करके इंट्यूबेट किया जाता है, इंट्यूबेशन वो वेंटिलेटर डाला जाता है। अब ये जो वेंटिलेटर आ रहा है, और ये मैं बात नहीं कर रही हूं और सिर्फ कांग्रेस वाले नहीं कह रहे हैं, ये मध्य प्रदेश से भी बात आ गई है, वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा है, वहां के लोगों ने भी कहा है, ये छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी कहा है
कि ये जो वेंटिलेटर आए हैं ये नॉन इन्वेजिव यूज इनसे नहीं हो पा रहा है, इनसे सिर्फ इन्वेजिव यूज हो पा रहा है, इनका ऑक्सीजन लेवल प्रेशर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, आपको 24 घंटे कोई निगरानी के लिए चाहिए। और हाँ ये सच है कि वेंटिलेटर या तो एनेस्थेसिस्ट या आईसीयू के जो इंटरवेंशनिस्ट होते हैं वही चला सकते हैं। आप 24 घंटे एक ही वेंटिलेटर को व्यक्ति देखता रहे ये पॉसिबल नहीं है। वेंटिलेटर पे आप सेटिंग्स कर देते हैं और उसके बाद वेंटिलेटर चलता है। तो सवाल ये है कि ऐसे वेंटिलेटर्स आखिर क्यों बने जिनका नॉन इन्वेजिव यूज नहीं हो सकता है, जिनका ऑक्सीजन प्रेशर नहीं मेंटेन हो रहा है। ये सिर्फ सेल चेंज करने की बात नहीं है, ये भ्रमित करने की बात हो रही है। यहां पर इनके ऑक्सीजन प्रेशर नहीं मेंटेन हो रहा है इसलिए कहीं कहीं ये नहीं यूज किए जा पा रहे। मैं टीएस सिंहदेव की बात बता देती हूँ, छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर है, उनको अपने उधर के लोगों के लिए जर्मन कंपनी से उन्होंने वेंटिलेटर्स लिए खरीदे क्योंकि दिक्कत हो रही थी कैसे चलता काम। तो दिक्कत की बात यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से, जो कि एक पब्लिक फंड है, इसमें हमारा आपका जनता का पैसा गया है, अगर उससे कोई त्रुटिपूर्ण चीज खरीदी गई है तो सवाल पूछा जाएगा। सवाल ये इसीलिए मैं बार बार पूछ रही हूं कि जिस कंपनी से आपने खरीदा क्या उसने इंस्टॉल किया, क्या उसने टेस्ट रन किया, क्या उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ इंस्टॉलेशन दिया गया, और अगर यह सब नहीं दिया गया तो किसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यह फाइनलाइज किया था कि इस कंपनी से खरीदा जाएगा। क्योंकि मैं बोल रही हूं फिर से, छोटी सी एक फोटोकॉपी मशीन भी अगर किसी बाबू के कमरे में लगती है तो उसका पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा आरएफक्यू होता है, पूरा टेंडर होता है। मैं एक डेटा आपको दे रहा हूं, इसमें कैसे वो नहीं हुआ ये मैं जानना चाह रही हूं। मैं एक डेटा दे रहा हूं आपको, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है जो हमको हमने मांगा था, उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर 34,000 में से जो कि डिलीवर कर दिए गए हैं उसमें से 32,719 इंस्टॉल हुए हैं, यानी कुल 1,321 वेंटिलेटर्स इंस्टॉल नहीं हुए, बाकी के इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और इसमें जो प्रमुख राज्य हैं जिनका नाम आया जिसमें ज्यादा मेजॉरिटी में अनयूज्ड पड़े हैं, मैं वो पढ़ के बता रहा हूं। असम में 1,000 डिलीवर हुए, 198 अनयूज्ड पड़े हुए। उसके बाद मैं आपको कर्नाटक का बता रहा हूं, 2025 डिलीवर हुए हैं, 166 अनयूज पड़े हैं, अनइंस्टॉल, यानी वो यूज हुए ही नहीं है, जैसे पेटी पैक कहते हैं सरल भाषा में वैसे। और इसके अलावा 567 में से 133 उड़ीसा के अंदर, पंजाब में 809 में से 277, पंजाब से बहुत शिकायतें आई हैं, पंजाब के बारे में डेटा बता रहा है कि 809 में से 277 इंस्टॉल ही नहीं किए गए हैं अस्पतालों के अंदर। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 4016 में से 192। मैं एक पर्सपेक्टिव के लिए बात बता रहा हूं क्योंकि हम लोग आज 8 बजे इस पर एक स्टोरी दिखाएंगे, आप भी देखिएगा। तो इंसिडेंटली हमने स्टोरी पे काम करना शुरू किया था, हमने इन मैन्युफैक्चरर्स से बात की, अभी आप लोगों ने जिनका भी नाम लिया, मैंने खुद उन सबसे बात की कि प्रॉब्लम क्या है। उनका कहना यह है कि अगर हॉस्पिटल या स्टेट रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे नहीं देगा तो मैं इंस्टॉल कैसे करूंगा। अगर सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन में प्रेशर नहीं आ रहा ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड तो वेंटिलेटर नहीं चलेगा। अगर आप जो कुछ चीजें ड्यूरेबल्स होती हैं, कंज्यूमेबल्स होते हैं, उनको आप नहीं बदलेंगे तो वो वेंटिलेटर काम नहीं करेगा, और ये काम हॉस्पिटल ही कर सकता है। सुप्रिया जी एक थॉट कमेंट इस पर दे दीजिए, फिर मैं संबीत जी आ रहा हूं आपके पास। जी हां, ये जो आपने डेटा पढ़ा है ये 6 अप्रैल 2021 का है जब वेंटिलेटर्स गए थे और किसने इंस्टॉल किया था किसने नहीं किया था। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि असम का सबसे हाईएस्ट डेटा था, 198 नहीं इंस्टॉल हुए थे, उत्तर प्रदेश का सेकंड हाईएस्ट डेटा था, 192 इंस्टॉल नहीं हुए थे, कर्नाटका का 166 इंस्टॉल नहीं हुए थे, छत्तीसगढ़ में सबके सब इंस्टॉल हो गए थे, राजस्थान में 29 इंस्टॉल नहीं हुए थे, और हाँ पंजाब में कुछ इंस्टॉल नहीं हुए थे, ज्यादा उनकी संख्या 277। अब मैं आपको बताती हूँ कि पटियाला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर का क्या कहना है। उनका ये कहना है कि इसमें प्रेशर नहीं आ रहा है, उनका ये कहना है बार बार इसमें सप्लाई रुक जाती है, उनका ये कहना है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं और मेरी टीम कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम अपने पेशेंट्स को अपनी सांसों के लिए इस पर निर्भर कर दें। क्योंकि देखिए वेंटिलेशन जो प्रोसेस होता है, वेंटिलेटर किसको लगता है, वेंटिलेटर अंततोगत उसको लगता है जिसके लिए बाईपैप सीपैप या हाई फ्लो ऑक्सीजन से बात आगे बढ़ चुकी है, ज्यादा इंफेक्टेड है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ज्यादा प्रेशर चाहिए ऑक्सीजन का, 5-10 लीटर पे यूजुअली मेंटेन हो जाता है, इसमें 30 लीटर चाहिए। इसीलिए अगर आप देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स, क्योंकि इतना ऑक्सीजन की जब किल्लत हो गई थी तो वेंटिलेटर पे पेशेंट उन्होंने लेने इसीलिए बंद कर दिए थे क्योंकि इसमें कम से कम 30 लीटर पे आपको ऑक्सीजन देना होता है। तो दिक्कत की बात यह है कि जब वेंटिलेटर्स आए और जिस कंपनी से प्रोक्योर किए गए उन्होंने इंस्टॉलेशन के वक्त ये बातें क्यों नहीं बताई,
उन्होंने टेस्ट रन के वक्त ये बातें क्यों नहीं बताई? ये बातें वो इंडिया टीवी को क्यों बता रहे हैं? ये बातें वो सरकारों को, ये वो बातें पब्लिक डोमेन में, ये बातें केंद्र सरकार से या प्रोक्योरमेंट एजेंसी पीएम केयर फंड की प्रोक्योरमेंट एजेंसी से ये बातें क्यों नहीं करी गई? मैं सुप्रिया जी एक बात कहना चाहता हूँ, इंडिया टीवी को तो इसलिए बताया क्योंकि इंडिया टीवी ने जाके उनसे पूछा, वेरी सिंपल। नहीं नहीं, मैं आपके बारे में नहीं, मैं कह रही हूँ आपसे अगर कहा तो आगे भी कह सकते। वही कह रहा हूँ मैं, वही कह रहा हूँ कि अगर देश के अंदर 40,000 वेंटिलेटर 45,000 वेंटिलेटर भेजे गए हैं तो क्या मुमकिन है कि उनकी इंस्टॉलेशन के वक्त किसी को बताया ना गया हो, ब्रीफ ना किया गया हो, लोगों को ट्रेन ना किया गया हो, उनको ना समझा, उनको उस पर उसकी उसकी टेस्टिंग ना की गई हो? इज इट पॉसिबल? अब इट लुक्स लाइक इट इज पॉसिबल, देयर आर मेनी वेंटिलेटर्स दैट आर नॉट वर्किंग। ओके संबित जी, ठीक है, पहुंचे पंजाब में, चलिए ठीक है, ज्यादा काम नहीं कर रहे, कर्नाटक में काम नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश में। अब जरा इनसे बात कर लेते हैं संबित जी, बड़ी देर से मेरी और आपकी बात सुन रहे हैं। बोलिए संबित जी, आपने सारी चर्चा सुनी। सौरभ जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यहाँ बार बार जो आर्ग्यूमेंट रखा जा रहा है कि ये वेंटिलेटर्स जो है 50,000 ये कोई काम नहीं कर रहे हैं और लोगों की जान खतरे में। प्रत्यक्षम, आपने अभी कहा कि इंडिया टीवी ने जानकारी ली कि लगभग बाकी सारे इंस्टॉल हो चुके हैं, 1,000 के आसपास जो वेंटिलेटर है उनको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर 50,000 में से 40,000 इंस्टॉल हो गए हैं, 48,000 भी इंस्टॉल हो गए हैं, तो प्लीज हम इस प्रकार का आर्ग्यूमेंट ना करें कि ये सारे वेंटिलेटर खराब है और लोगों के जान खतरे में है। हम 1,000 के लिए, मैं आपको कारण भी दे रहा। दूसरा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, आपके टीवी ने, इंडिया टीवी ने एक रिपोर्ट किया है, मैं उसको प्रस्तुत करता हूं। और इसमें आप चाहें तो प्रताप जी जो मिनिस्टर हैं, परिवहन मंत्री हैं राजस्थान के, उनके कोट और उनके बयान को नायका सुना भी सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप वेंटिलेटर्स को राजस्थान में किस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं जो पीएम केयर फंड से आया, तो उन्होंने कहा हमने इन वेंटिलेटर्स को किराए पे दिया है और प्रत्येक वेंटिलेटर 35,000 to 40,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, भरतपुर के राय बहादुर हॉस्पिटल राजस्थान में, जिन्होंने 20 वेंटिलेटर दिया है जिंदल प्राइवेट हॉस्पिटल को, 40 वेंटिलेटर्स वर प्रोवाइडेड बाय पीएम केयर्स फंड। आई हैव बीन आस्किंग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पास्ट 2 months, वेयर हैव दीस वेंटिलेटर्स बीन इंस्टॉल्ड, बट दे हैव नो आंसर्स। जिंदल हॉस्पिटल व्हिच हैज ऑलवेज बीन इन कंट्रोवर्सी हैज बीन गिवन 10 वेंटिलेटर्स बाय द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। द कलेक्टर सेज दैट द वेंटिलेटर्स वर फॉल्टी बट वेयर नॉट। जिंदल हॉस्पिटल हैज बीन चार्जिंग ₹35,000 to ₹40,000 पर वेंटिलेटर, नंबर 1। नंबर 2, आप ही की रिपोर्ट है, 12 वेंटिलेटर्स वर रिमेनिंग अनयूज्ड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन पॉइंट अवेलेबिलिटी। ये तो कलेक्टर कह रहे हैं, 12 वेंटिलेटर्स वी कुड नॉट यूज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन पॉइंट अवेलेबिलिटी एंड लाइटर केस लोड। थर्ड, इंडिया टीवी हैज सेड ऑन इट्स वेबसाइट दैट इट्स रिपोर्टर्स फाउंड दैट मोर देन 20 वेंटिलेटर्स आर लाइंग अनयूज्ड नियर द बाथरूम इन चूरू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आप बताइए, 35,000 से 40,000 किराए पे ले रहे हैं और आप परिवहन मंत्री के बयान को दिखाइए, उस बयान, एक दिन पहले का बयान था उनका, ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल लूटे रहे हैं। अगले दिन ये कह रहे हैं कि हमने सारे के सारे जो 20 30 40 एक एक डिस्ट्रिक्ट में हमने पीएम केयर्स के जो वेंटिलेटर्स है वो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल को किराए पे दिया है, वो पैसा हम वसूल कर रहे हैं। मुझे लगता है इस प्रकार की स्टोरी इंडिया टीवी ने दिखाई थी, खबर हमने दिखाई थी, इसमें भरतपुर की खबर थी और सुप्रिया जी के नॉलेज में है ये खबर, उनको भी, क्योंकि इनसे भी उस बारे में बात हुई थी एक दिन। ये बात सही थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल को दिए गए, इसमें ये जरूर पूछा जा है कि अगर वो वेंटिलेटर खराब है तो प्राइवेट अस्पताल क्यों चलाएगा उसको? नहीं, काम तो वो तो अगर नहीं चल रहा है तो 40,000 रुपए उस वेंटिलेटर का ले किससे रहा है? मैं वही कह रहा हूं, मरीजों मैं वही कह रहा हूं कि इसका मतलब वो वेंटिलेटर काम कर रहा है कहीं, तो तभी तो उसका किराया वसूल काम कर रहा है और 40,000 रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल ले भी रहा है। देखिए, आपको समझना होगा, जो आदरणीय सुप्रिया जी ने मुझसे सवाल पूछा कि इंस्टॉलेशन करने का काम तो अगवा का है या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, बिल्कुल सही बात है, और मैंने इसीलिए सबसे शुरू में उत्तर दिया, जब स्टेट गवर्नमेंट से अगवा ने फोन किया या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने फोन किया कि आप बता दीजिए 500 आपको चाहिए तो 500 वेंटिलेटर्स हमें कौन-कौन से हॉस्पिटल में इंस्टॉल करना है, तो स्टेट्स ने बोला कि आप हमारे सेंट्रल वेयरहाउस में रख दीजिए, अभी हम बाद में पूछकर इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 8 महीने 6 महीने से वो एक सेंट्रल वेयरहाउस में पड़े हुए हैं। अचानक ये तस्वीरें केवल, देखिए ये तस्वीरें केवल राजस्थान या पंजाब से नहीं आई, ये तस्वीरें यूपी से भी आई हैं, बड़े-बड़े अस्पतालों में और बिहार में भी आई हैं और वहां हमने पूछा कि रिपोर्टर ने पूछा ये मशीनें आपके पास पड़ी है इसको यूज क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा हमारे लोग ही नहीं है इसको यूज करने वाले, हम इसको दूसरे सरकारी अस्पताल को भेज रहे हैं, उनको जरूरत होगी तो वो लोग लगा लेंगे। ये सब जगह हाल है।
देखिए देखिए मैं डॉक्टर होने के नाते दो तीन विषय आपके सामने रखना चाहूंगा। वेंटिलेटर जो यूज करना होता है, मैं एक क्वालिफाइड सर्जन होने के बावजूद भी मैं इंक्यूबेशन करना और वेंटिलेटर यूज करना नहीं जानता। वेंटिलेटर यूज करना एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल जो इंटरवेंशनिस्ट होते हैं या जो एनेस्थेसिस्ट होते हैं उनका विषय होता है और ये स्पेशलाइज सर्विसेज है, इसलिए इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। अगवा का मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि हमने बहुत सारे टेक्नीशियंस को डॉक्टर्स को ट्रेन किया है, कई बार ऐसा होता है कि वो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, कई बार रोस्टर चेंज होने के बाद उसमें जो देखिए इसमें बाय एंड लार्ज तो सेम फंक्शनिंग है जो फॉरेन कंट्रीज के वेंटिलेटर्स में है, मगर छोटी छोटी बातें, अभी आपने सुना होगा एलएनजेपी में एक विषय उठा था कि बाईपैप जो है वो मॉड्यूल तो इसमें है ही नहीं हमारे पास जो वेंटिलेटर आया, बाद में उनका अगवा का एक वहां पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का व्यक्ति गया, उसने दिखाया कि द बाईपैप मोड इज प्रेजेंट बट इन अ डिफरेंट वे दैट फ्रॉम दिस इंटरनेशनल मॉड्यूल, जो मॉड्यूल इंटरनेशनली अक्लेम्ड है उससे एक डिफरेंट वे में मौजूद है, और जब उसे दिखाया गया तो वो बात एक्सेप्टेड हो गई और वो यूज में आ गई। चलिए ठीक है, सुप्रिया जी बोली। सौरभ जी, कुछ ही दिनों पहले मुझे याद है 3-4 दिन पहले आप ही के शो पर आप ही एंकर थे, मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर आए थे और उन्होंने कुछ ऐसी ही बात बोली थी कि वो थोड़े हाई एंड ज्यादा वेंटिलेटर हैं और इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं। भाई भारत जैसे देश में जहां पर इंटरवेंशनिस्ट और एनेस्थेसिस्ट कम है और वेंटिलेशन देना एक नीच एरिया ऑफ मेडिसिन है, तो आपने हाई एंड क्यों बना दिया? अगर इन्हीं की बात मैं मान जाऊं, आपने इतनी हाई एंड मशीनें क्यों बना दी? मैं छोटा सा एग्जांपल दे देती हूं, अगवा की बार बार बात हो रही थी, अगवा ने 433 भेजे झारखंड में जिसमें से सिर्फ 101 फंक्शनिंग है और उनके लिए भी आपको पूरे वक्त एक बैकअप मशीन रखनी पड़ती है, तो ऐसे नहीं चल सकता है वेंटिलेटर का काम। वेंटिलेटर पे कोई होता है या अगर वेंटिलेटर के लिए किसी ने ऑप्ट किया उसका मतलब है सेटिंग्स हो गई हैं, वो ढंग से अपने आप चलता रहेगा, अगर उसमें जरा सी भी त्रुटि हुई तो जिंदगी और मौत के बीच में चीज हो जाती है। मैं थोड़ी सी इस बात को अगर आपकी परमिशन से इस बात को आगे बढ़ा दूं तो मैं ये जरूर कहूंगी कि हिंदुस्तान में अब जो सेकेंड वेव आई जिसको नजरअंदाज किया गया था, जिसकी चेतावनियों को माना नहीं गया था, उसमें करीब करीब 40% केसेस सीरियस हो गए। ये मेडिकल डेटा सरकार की ओर से भी आया, आईसीएमआर ने भी कहा है कि 40% केसेस जो हैं वो अब सीरियस कैटेगरी में आ गए। मेरा अपना ये मानना है और ये एनेक्डोटल डेटा है, संबित पात्रा तो डॉक्टर है और इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कि जिनको एक या दो डोज लगी और उसके बाद उनको अगर कोविड हुआ भी कॉन्ट्रैक्ट उनसे, तो उनके जो सिम्टम्स थे वो ज्यादा माइल्ड थे, वो कहते हैं कि आराम से कोविड निकल गया। वेंटिलेटर की जरूरत उस व्यक्ति को पड़ी, और ईश्वर ना करे किसी को वेंटिलेटर पे जाना पड़े, जिसकी हालत थोड़ी गंभीर हो गई थी। तो मैं बार बार कह रही हूं कि चार ही स्तंभ है, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन। अगर हमने, हम वेंटिलेटर की बिल्कुल बात करेंगे, मैं उससे भाग नहीं रही हूं डिबेट से, लेकिन अगर हमने ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया होता तो शायद हमें आज वेंटिलेटर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। और दम भरने की बात नहीं है, आज भी पहली डोज केवल 14,11,00,000 लोगों को लगी है और फुल्ली वैक्सीनेट हमारे देश में केवल 4,17,00,000 लोग हुए हैं, 3% से कम। और 18 से 44 वर्ष की उम्र में जहां पर 62 करोड़ लोग हैं और आपको 124 करोड़ डोज चाहिए, सरकारी डेटा बता रहा है कि अभी वहां पर सिर्फ और सिर्फ 42 लाख लोग वैक्सीनेट हुए हैं। ये लोग नौकरी चाकरी पे जाते हैं, ये लोग बाहर जाते हैं, इनके लिए वैक्सीनेट होना जरूरी है। सुप्रिया जी, क्योंकि शो में समय भी है, आप लोग चाहेंगे दोनों सहमत होंगे तो हम वैक्सीन पर, आप दोनों सहमत होंगे तो हम वैक्सीन पर इस शो में भी आगे बात कर लेंगे, लेकिन थोड़ी देर अगर हम जिस पर हम चर्चा शुरू की थी वेंटिलेटर्स पर उस पर बात कर ले। मैं समीर जी, एक मिनट में आ रहा राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो उन्होंने दावे किए उससे आशय जाता है कि सब कबाड़ है, ये तो सब वेंटिलेटर के नाम पर लोहा लक्कड़ कहीं से उठा करके अस्पतालों को दे दिया है, उसका मैसेज ये जाता है क्या? क्या इतनी बड़ी एक्सरसाइज पर, इतनी लाइफ सेविंग डिवाइस पर ऐसा शक जाहिर करना, कल को पेशेंट बना करने लगे ये क्या पीएम केयर वाला वेंटिलेटर है, मैं नहीं लगाऊंगा, उसके परिजन मना कर दें, डॉक्टर मना कर दें, ये इसको इतना जनरलाइज वे में कहना। हाँ, कहीं से अगर कहीं से रिपोर्ट आती है उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, लेकिन सारी 45,000 मशीनें खराब है, इतना जनरल स्टेटमेंट देना, मेरी आपत्ति उस पर है, मेरा सवाल उस पर है। देखिए, आपकी आपत्ति का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं ये भी तो पूछना चाहती हूँ कि अगर पंजाब में 300 से में से 270 नहीं चल रहे हैं
तो ये तो बोला जाएगा ना, अगर मध्य प्रदेश में 197 नहीं चल रहा तो बोला जाएगा ना, उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है तो बोला जाएगा, महाराष्ट्र में नहीं चल रहा है बोला जाएगा। आप ये सोचिए कि अगर एक व्यक्ति की ये नौबत आ जाती है कि उसको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, मेरे एक बहुत ही क्लोज हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता है महाराजगंज में, उनको वेंटिलेटर पे जाना था, सुविधा नहीं थी, गोरखपुर में वो है। अब दिक्कत की बात क्या हो रही है कि वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन ही नहीं है इतनी उपलब्ध हॉस्पिटल में, क्योंकि वेंटिलेटर पे जैसे मैंने बताया 30, तो अभी कहना कि हम उसके बारे में सवाल ही नहीं सवाल कीजिए, लेकिन अभी जो आपने उदाहरण दिया इसमें वेंटिलेटर की गलती नहीं है ना, इसमें तो जब ऑक्सीजन ही नहीं है अस्पताल में, उपलब्धता की तो गलती है। एग्जैक्टली, बट वो सेपरेट इशू है ऑक्सीजन, वो वेंटिलेटर से तो सेपरेट है। ऑक्सीजन उपलब्धता पे सवाल उठा लूंगी, आप उठाइए, मैं मुझे कोई एतराज नहीं है, ऑक्सीजन उपलब्धता पे सवाल उठा लूंगी सुप्रिया जी, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ आप बिल्कुल उठाइए, आपका काम है उठाना, मेरा काम है वो दिखाना, उठना चाहिए मेरा काम है, लेकिन विषय सेपरेट रहे, ऑक्सीजन एक अलग इशू है, वेंटिलेटर एक अलग इशू है, वैक्सीन अलग इशू है। सौरभ जी देखिए, सारे इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं, इसलिए आप नहीं भाग सकते, ये सब इंटरकनेक्टेड पार्ट्स चल रहे हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन होता है कम वेंटिलेटर चाहिए, वेंटिलेटर है तो ऑक्सीजन प्रचुर होना चाहिए, ये सब इंटरकनेक्टेड। अच्छा चलिए, ओके ओके, कैसे भाग सकते, चलिए ठीक है, आप ये तीनों फ्रंट पर नाकामयाबी आपकी सरकार की। स्तंभित जी बोलिए, देखिए इन विषयों पे बहुत सावधानी से बोलने की आवश्यकता है। टेक्निकली स्पीकिंग ऑक्सीजन वेंटिलेटर और वैक्सीन इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? वैक्सीन नहीं हुआ इसलिए वेंटिलेटर खराब है, ऑक्सीजन नहीं है इसलिए वेंटिलेटर खराब है, ये तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, वेंटिलेटर ठीक हो सकता है, वैक्सीनेशन किसी को नहीं हुआ है उसका अर्थ ये नहीं है कि वेंटिलेटर खराब है और वेंटिलेटर कबाड़ है, ये टेक्निकल विषय है। दूसरी बात है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बार बार इस बात को हमें दोहराना है, 50,000 वेंटिलेटर भेजे गए भारत वर्ष में, और थैंक्स टू इट कि आज ट्रीटमेंट हो रही है वेंटिलेटर पे, वरना पूरे देश में मात्र 16,000 थे। और एक बात आप सौरभ जी बताइए, डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन डेथ के बारे में बात की, आपने ऑक्सीजन डेथ के बारे में डिस्कशन किया, आज तक वेंटिलेटर डेथ के बारे में किसी डॉक्टर ने कहा कि नॉन फंक्शनिंग ऑफ मास स्केल नॉन फंक्शनिंग ऑफ वेंटिलेटर के कारण हमारे अस्पताल में 15 मरीज मर गए, हमारे अस्पताल में 5 मरीज मर गए, इस अस्पताल में 20 मरीज मर गए, क्योंकि पीएम केयर का जो वेंटिलेटर था, क्योंकि राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो कबाड़ है, उस कबाड़ के कारण लोगों की मृत्यु हुई, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा इस प्रकार के पैनिक को ना फैलाया जाए कि हॉस्पिटल्स के वेंटिलेटर, जिसपे आज मुख्यतः पीएम केयर वेंटिलेटर पे ही आईसीयू चल रहा है, 50,000 मींस अ लॉट, उसमें 49,000 आपने खुद कहा कि फंक्शनल है, तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि ये हम पैनिक ना फैलाएं कि सारे वेंटिलेटर खराब हैं। दूसरी बात, आप देखिए वैक्सीन और वेंटिलेटर कैसे इंटरकनेक्टेड है, आप याद करिए, इसी ऑपोजिशन ने इसी वैक्सीन को कहा था कि ये धत्ता है, ये काम नहीं करता है, वो वैक्सीन नहीं लेंगे हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे तो हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा, हमें तो ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, ये इसका तो साइड इफेक्ट्स बहुत हो जाएगा। आज कह रहे हैं हमें बहुत चाहिए। ठीक उसी प्रकार वेंटिलेटर को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये वेंटिलेटर सारे खराब है, इसमें मृत्यु हो जाएगी, आप वेंटिलेटर पे मत जाइए, और फिर बात बता रहे हैं कि वेंटिलेटर दो। ये देखिए, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये केवल और केवल राजनीति के लिए हम लोगों के मन में भय सृष्टि करें। मैं बार बार कह रहा हूं, एज अ डॉक्टर कह रहा हूं, इस प्रकार के भय को लोगों के मन में मत जाने दीजिए। आज ठीक है, जो वेंटिलेटर पे जा रहे हैं वो सुप्रिया जी एक सेकंड, मेरा सवाल संबित जी ये है, देश में वेंटिलेटर की जरूरत पड़नी थी, आप कह रहे हैं आपकी सरकार ने उसको फोर्सी किया, वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया, वेंटिलेटर बन गए, डिलीवर भी हो गए, आज हम बहस कर रहे हैं वेंटिलेटर कैसे हैं उस पर, लेकिन वेंटिलेटर बने ये बात फैक्ट है। अब सवाल ये है कि जो हम आइडल खाली पड़े हुए वेंटिलेटर देखते हैं, और मैंने तो इस पर क्योंकि काम किया है पिछले 2 दिनों में, इसलिए मैं कह रहा हूं, अधिकांश जगहों पर जो वेंटिलेटर अनइंस्टॉल्ड है वो ऐसे ही पैक्ड पड़े हुए हैं, उनको यूज करने वाले नहीं है, अस्पतालों के पास जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब आपने ये सोचा सरकार ने कि हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, तब ये भी तो सोचना था कि अस्पताल में वो लगाने जाएंगे तो वहां उनके पास सब कुछ चीजें होंगी या नहीं होंगी, उनको उस वक्त ऑक्सीजन का पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी मैं आ जाऊं, एक मिनट, इसका जवाब ले रहा हूं सुप्रिया जी, उसके बाद सौरभ जी, या उतने डॉक्टर लगेंगे, सब्जेक्ट होता है, देखिए हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट होता है, हम यह भी सोचे कि वेंटिलेटर भेजना है, उसको इंस्टॉल करने लोग भी भेजे, और हॉस्पिटल में किस प्रकार इंस्टॉल होगा, उसका स्पेस क्या होगा, कम से कम स्टेट कुछ तो क्रिएट करेगा, चाहे वो किसी का भी स्टेट हो, हमारा स्टेट हो या इनका स्टेट, ये स्टेट का विषय है। और अगर मैं तो सबसे बड़ा विषय कहता हूं, आज वेंटिलेटर पे डिबेट हुआ, अगर एंटिसिपेट करके स्टेट सोच लीजिए, पंजाब को लगता है कि सेकेंड वेव आ रहा है, उन्होंने अपने पूरे के पूरे वेंटिलेटर जो सेंट्रल गोदाम में थे वो निकाल करके टेस्टिंग करते, और 6 महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते, अरे इसमें से तो जो आपने वेंटिलेटर भेजा है उसमें 277 वेंटिलेटर तो काम नहीं कर रहा है,
आप इसको ठीक रिप्लेस करिए या तो लोग भेजिए, तो मैं मान जाता कि हाँ ये एंटिसिपेट करके इन्होंने सब कुछ टेस्ट किया, ये सब कुछ बंद करके पैकेट में सजा सजा के रखे हुए थे सेंट्रल गोडाउन में, किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इनको हॉस्पिटल में लगाना है। अचानक जब केस लोड बढ़ गया, अधिकांश वेंटिलेटर लगा दिया, कुछ वेंटिलेटर जो रहे हुए हैं उसके ऊपर राजनीति हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सौरभ जी, ये 6 महीने पहले होना था कि नहीं, इनकी टेस्टिंग इत्यादि सब लगने की प्रक्रिया, जब आडवा कंपनी फोन कर रही थी, जब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फोन कर रही थी कि हमें इंस्टॉल करना है, तब कहा जा रहा था ठीक है ठीक है ठीक है, सारा दोष केंद्र के दरवाजे पर रखने से कैसे काम चलेगा सुप्रिया जी? नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन मैं 2-3 बातें थोड़ी मुझे अजीब सा लग रहा है सुनने में भी। एंटिसिपेशन की बात करी जा रही है वेंटिलेटर्स, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी, साइंटिफिक एडवाइजर, सीरो सर्वे, विश्व में जो हो रहा था, यूके यूएस में जो सेकेंड वेव आई थी, सब आपको चेतावनी दे रहे थे कि आपके यहां सेकेंड वेव आएगी, भयावह तरीके से आएगी, ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था कीजिए। हमने नहीं किया वो, तो एंटिसिपेशन तो केंद्र सरकार से हमें पूछना है ना, एंटिसिपेशन के शब्द को शोभा नहीं देता आपको यूज करना। दूसरा मैं पूछना चाहती हूँ, आप राहुल गांधी पे सवाल उठा रहे हैं वैक्सीनेशन पे और इस पे, राहुल गांधी ने तो अगस्त 2020, सबसे पहले तो फरवरी 2020 में कह दिया था भाई सुनामी आने वाली, आप लोग सुन नहीं रहे थे, कोई बात नहीं, आपको सरकार गिनानी थी, आपको नमस्ते ट्रंप कराना था। राहुल गांधी ने तो अगस्त 2020 में कहा था वैक्सीन पॉलिसी बनाइए, ऑर्डर्स दीजिए, फॉरेन सप्लायर्स को लाइए, तब बोला गया था हम तो एंड गेम में है, बेंडेड लाइक बेकहम हो रहा है। आज क्या हुआ, हमने जनवरी 2021 में अपना पहला ऑर्डर दिया और वो भी मात्र 1,60,00,000 डोजेज का, जब दुनिया अपने 3-3 ऑर्डर अगस्त और अक्टूबर तक दे चुकी थी पिछले साल। अब मैं एक बात पूछना चाहती हूं, अगर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन ही मिल गया होता तो जाने बच जाती, जाने मात्र वेंटिलेटर उससे नहीं बच रही है, जाने बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प के लोग मरे हैं, वो भयावह मंजर किसी की आंखों से जाएगा नहीं। और क्योंकि बात यहां पर हो रही है, जनरलाइज नहीं करना चाहिए, तो क्या प्रवक्ता महोदय और प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर देश से माफी मांगेंगे जब वो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ? वो क्यों जनरलाइज करते हैं, वो क्यों भ्रमित करते हैं जनता को, वो क्यों अनर्गल बातें कहते हैं? क्योंकि सच तो ये है कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड का भारत में निर्माण और बढ़ाइए, जो 4 हफ्ते पहले हमने कहा था आपको अंततः बचवा करना पड़ा और उन 3 कंपनियों के साथ करना पड़ा जो कांग्रेस शासन में बनी थी। आत्मनिर्भरता तो तब हुई थी, हम तो अब कटोरा लेके दुनिया के सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, खड़े हुए हैं क्योंकि हमने कोई प्रिपरेशन ही नहीं करी थी, हमारी तो ये आज हैसियत हो गई। चलिए मैं जवाब लेता हूं, मेरे ख्याल से इनका सवाल वाजिब है, मैं इसको रिफ्रेस कर रहा हूं दर्शकों के लिए। जिस कमेटी ने आपको ये बताया होगा कि देश को आने वाले वक्त में 60,000 वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो उससे अंदाजा लग जाना चाहिए था कि अगर 60,000 वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी तो ओवरऑल कितने मरीज होंगे और उनको फिर शायद ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी, उनको फिर वैक्सीन की भी जरूरत पड़ेगी। संबित जी, सौरभ जी, 60,000 वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी तभी तो 50,000 वेंटिलेटर भेज दिया गया, समय रहते भेज दिया गया था, पिछले साल भी भेजा गया था ना, तो इंस्टॉल कर देना था ना इनको। राहुल गांधी जी ने तो प्रेडिक्ट भी, राहुल गांधी ने वैसे मैं बीच में नहीं बोला था सौरभ जी, आराम से सौरभ जी, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सौरभ जी, इन्होंने अगर एंटिसिपेट कर दिया था, जैसे कि राहुल गांधी जी ने सब कुछ पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था, तो मैं तो कह रहा हूँ तो इनको तो कम से कम पंजाब को तो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी केंद्र ने पिछले वर्ष चिट्ठी लिखा था कि आप अपने अपने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को LMO में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करके आप इंस्टॉल कर लेते, आपके पास तो वेंटिलेटर था। आप देखिए, आज का डिबेट सौरभ जी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे है और एक लाइफ सेविंग डिवाइस के ऊपर है, वेंटिलेटर। और एक महत्वपूर्ण नेता ने ट्वीट करके कहा है कि ये सारे 50,000 वेंटिलेटर फालतू हैं, ये कचड़े के डब्बे हैं, और मैं चाहता हूं कि यहां कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठी हैं वो इस विषय को लेकर अपोलॉजी करें। ये जनरलाइज विषय नहीं, ये लोगों के मन में डर बैठाना, और बहुत दुखद है जो लोग वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, उनके रिलेटिव्स जो वेंटिलेटर में होगा वो तो बेचारा सेडेटेड होगा, मगर जो उनके रिलेटिव्स होंगे जो घर में होंगे, वो डिबेट देख रहे होंगे, वो डर रहे होंगे, वो पूछ रहे होंगे पता लगाओ यार कौन से वेंटिलेटर पे हमारा मरीज है, हम क्यों डरा रहे हैं लोगों को इस प्रकार से, जैसे कोवैक्सीन को लेकर डरा रहे थे, जैसे वैक्सीन को लेकर पहले डरा रहे थे, अब वेंटिलेटर को लेकर डरा रहे हैं। और जब मैं ये सवाल बार बार पूछ रहा हूं तो ऑक्सीजन पे चले जाते हैं, वैक्सीन पे चले जाते हैं, आप प्लीज बताइए ना, क्या ये 50,000 वेंटिलेटर जैसा राहुल गांधी केवल 600-700 वेंटिलेटर वो इसलिए इंस्टॉल नहीं हो पाए जिसके कारण मैंने आपको गिनाए हैं, और खुद इंडिया टीवी ने इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार किया है, मैं भी 8 बजे देखूंगा और जनता से भी कहूंगा वो देखे 8 बजे जो भी रिपोर्ट है, मगर
इस प्रकार से खारिज कर देना कि ये सारे वेंटिलेटर खराब है, ये उचित नहीं है, ये बहुत गंभीर आरोप है और इस समय पैंडेमिक के समय इस प्रकार का खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना। ये बात मैंने भी इनसे कही, ये सवाल इनसे पूछा, लेकिन आपने फिर मूल प्रश्न का जवाब दिया कि हर चीज अगर तैयारी के साथ हो रही थी तो फिर ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जाने क्यों गई। देखिए सौरभ जी, पहले तो आप आज वेंटिलेटर पे डिबेट कर रहे हैं, ठीक है, वो तो आप सही है। वेंटिलेटर की तैयारी थी, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन पे जवाब दे रहा हूँ। आप ये बात मान गए कि वेंटिलेटर पे तो ठीक है, सरकार ने भेजा और सही वेंटिलेटर भेजा। अब ऑक्सीजन का डिबेट पहले भी हुआ है, मैं अभी भी बताता हूँ। पहले 700 MT ऑक्सीजन पर डे का डिमांड था जब हमारा फर्स्ट वेव भी हुआ था, अचानक वो बढ़ के 8,000 मेट्रिक टन पर डे हुआ, ठीक है। हमने किस प्रकार से उसको रैशनलाइज किया, किस प्रकार से उसके प्रोडक्शन को बढ़ाई। आज ऑक्सीजन की कमी नहीं है, रैशनलाइजेशन की कमी कहीं कहीं जरूर है। हमने दिल्ली में देखा कि सबसे ज्यादा हाहाकार ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में मचा, मगर जब हमने इनको 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिया तो दिल्ली के पास स्टोरेज स्पेस ही नहीं था, दिल्ली ने अपने ऑक्सीजन को वापस भेज दिया। आप बताइए क्यों रैशनलाइजेशन, जबकि इकबाल सिंह जो खुद हमारे सरकार के नहीं है, इकबाल सिंह तो कमिश्नर है मुंबई के इकबाल सिंह। अच्छा ठीक है संबित जी, ठीक है, समय कम रह गया, मैं जरा जवाब दे लूं। आप ये कह रहे हैं कि भाई वेंटिलेटर की जरूरत को भांपकर हमने वेंटिलेटर तैयार कर दिए रिकॉर्ड समय में, और ऑक्सीजन की दिक्कत इसलिए क्योंकि अचानक से मामले बढ़ गए। सुप्रिया जी, मतलब इससे हास्यपद और क्या हो सकता है कि वेंटिलेटर हमने बना दिया लेकिन जो ऑक्सीजन पे चलना था वो ऑक्सीजन हमने नहीं बनाया। खैर मैं इस बात पर जवाब नहीं दूंगी, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि आज एक बहुत ही फेमस वायरोलॉजिस्ट हैं शाहिद जमील जी, जिन्होंने गवर्नमेंट का जीनोम मैपिंग का जो टास्क फोर्स था वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि उन्होंने कहा इसमें कहने की आजादी नहीं है। मैं उनका नाम भी ना लेती लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जिस देश में चुनी हुई सरकार, जहां पर 2.5 लाख लोगों की आधिकारिक तौर से मौत हो चुकी है, वहां पे मुख्यमंत्री, वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, मतलब योगी जी कह रहे हैं बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तो जो लाशें घाटों पर मिल रही हैं, जो गंगा में हजारों लाशें बह रही हैं, वो क्यों बह रही हैं, उस पर किसकी जवाबदेही होगी? आप क्यों वैक्सीन की किल्लत पर अगर पोस्टर लग जाता है मोदी जी तो इतना परेशान हो जाते हैं कि लोगों को जेल में डाल देते हैं, FIR कर देते हैं, क्या दिक्कत क्या है? क्योंकि सुर्खियां बटोरना अभी भी कम नहीं होगा, अभी भी छवि पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, 300 ऑफिशियल्स बैठकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन साहब की छवि पर करेंगे, लोगों की मौत पर वो नहीं होगा। तो ऐसा घिनौना नाश तो नहीं देख पाएगा ना देश, इस बात को क्योंकि ये विषय नहीं है, फिर भी मैं ऐसा घिनौना नाश तो नहीं देख पाएगा देश। चलिए मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ और बिल्कुल कोई अहंकार के साथ नहीं, विनम्रता के साथ जवाब दूंगा। देखिए इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ा घिनौना तस्वीर है, इसमें योगी जी क्यों कह रहे हैं कि हमने सब कुछ निपट लिया या निपटने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 60% केस लोड जो था इस बार सेकेंड वेव में महाराष्ट्र से आया, सर्वाधिक मृत्यु महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे कहते हैं उत्तर प्रदेश में ना टेस्टिंग हो रही है, महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है यूपी की, आपने यूपी की बात उठाई है ना, नहीं एक सेकंड, मैं इनसे यूपी का जवाब लूंगा, आपने महत्वपूर्ण बात उठाई है, यूपी का जवाब भी देंगे, ये बोलिए। देखिए यूपी, आप वेंटिलेटर छोड़ के यूपी पे आ गए और आपने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में कैसा कहा कि मैनेजमेंट ठीक कर रहे हैं। 60% केसेस इस बार महाराष्ट्र से आए, सर्वाधिक मृत्यु देश में महाराष्ट्र से हुई, ऊपर से उद्धव ठाकरे ट्वीट करते हैं और ये सारे शोभा दे इत्यादि, ओहो हाउ गुड आवर द बेस्ट CM ऑफ द यूनिवर्स इज उद्धव ठाकरे, क्या मैनेज किया संबित जी, संबित जी, संबित जी, संबित जी, संबित जी, एक सेकंड सुप्रिया जी, बढ़िया है संबित जी, महाराष्ट्र में कम से कम जो मौतें हुई वो रिकॉर्ड में तो है, ये जो लाशें बह करके आई है गंगा में ये कौन से रिकॉर्ड में है, ये जो दफन है रेत में ये कौन से रिकॉर्ड में है? सौरभ जी ये रिकॉर्ड में मृत्यु है तो वाहवा, मतलब चलिए मैं इस पे अभी बहस नहीं करूंगा, समय भी नहीं है, रिकॉर्ड पे मृत्यु है तो वाहवा, इतने 60% केसेस कंट्रीब्यूट करें महाराष्ट्र तो वाहवा, मतलब ये मूवी उद्धव ठाकरे को कि ये बेस्ट CM ऑफ द वर्ल्ड है तो वाहवा, और सोनिया गांधी जी कहे कि MVA सरकार ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, कमाल की बात है, सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा मृत्यु जो है वो सबसे अच्छी सरकार, और जहां हम मृत्यु हो वो सबसे खराब सरकार है, इस प्रकार का सिलेक्टिविज्म नहीं चलेगा। और सुप्रिया जी आप अहंकार छोड़ के बात करिए, अहंकार को घर में रखने के बाद पहले माफी मांगिए, क्योंकि आज के शो में वेंटिलेटर को लेकर राहुल गांधी और देश डूब रहा है, शो में वेंटिलेटर को लेकर आपको बैठकर यहां पर सोनी राजनीति और गंदे वेंटिलेटर को लेकर राहुल गांधी और आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये चुप रहिए राहुल गांधी, आप बार बार कहा, पहले माफी मांगिए तब अपनी वेंटिलेटर को लेकर जो झूठ फैला रहे थे
पूरी तरह से आज यह पर्दा फाड़ हुआ है और राहुल गांधी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार वैक्सीन को लेकर झूठ फैला रहे थे, वेंटिलेटर को लेकर भी लोग झूठ फैला रहे थे, और राहुल गांधी ने वैक्सीनेट किया है कि नहीं अपने आप? सुप्रिया जी, वैक्सीन लिया है कि नहीं? पहले सुप्रिया जी समझिए, ये वैक्सीन लिया है कि नहीं? राहुल गांधी वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है? पहले बताओ, देश के साथ वो वैक्सीन लिया है कि नहीं? राहुल गांधी घर में बंद है, लोग मर रहे थे, पहले बताओ ये राहुल गांधी वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है? बाकी बाकी सब चिल्ला रहे हैं गंगा में, राहुल गांधी वैक्सीन खुद लेता नहीं है और यहाँ के चिल्लाते रहते हैं। चुप रहो तुम, पहले बताओ राहुल गांधी वैक्सीन लिया है कि नहीं? बाकी बाकी सारी बातें राहुल गांधी, सुप्रिया जी, जो लोग वैक्सीनेट हुए हैं वो व्यक्तिगत होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। चलिए बहरहाल मेरे पास समय इतना ही था, राहुल गांधी काफी विषयों को छू पाए, बात कर पाए कम से कम। मैं फिर ये कहूंगा रात को 8 बजे रिपोर्ट जरूर देखिएगा, जिस पर हमने भी बहस की है, कुछ तथ्यात्मक बातें आपको उसमें जरूर मिलेंगी। संबित पात्रा जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।